उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफ स्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की उन तमाम बड़ी खबर पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में कोरोना के अब तक 1.25 मिलियन मामले सामने और 30,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हमारा रिकवरी रेट 63.45% है, जबकि मृत्यु दर 2.3% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव बने राजेश भूषण, 31 जुलाई को प्रीति सूदन की लेंगे जगह। विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर राजभवन में धरने पर बैठे गहलोत को समर्थन दे रहे विधायक। राजस्थान बीजेपी प्रमुख पुनिया ने कहा, हालात अनुकूल रहे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं पायलट। बीएमसी ने कहा, सिर्फ 5 लोगों को होगी घरेलू गणेशोत्सव में विसर्जन के समय मौजूद रहने की इजाजत। आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने कहा, 19 सितंबर से 8 नवंबर तक होगा आईपीएल, दर्शकों पर फैसला यूएई करेगा। झारखंड में 28 जुलाई से प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया जाएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स में इसका उद्घाटन करेंगे। भाजपा ने राज्य प्रमुखों और प्रभारियों को पत्र लिखकर अनुच्छेद 370 हटने और 3 तलाक बिल के 1 साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। नागपुर शहर में 25 और 26 जुलाई को जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा, इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। कर्नाटक में शिवमोगा आयुक्त कार्यालय के सामने आशा कार्यकर्ताओं ने 12,000 रुपए प्रतिमाह वेतन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी महासचिव बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा, जीत की क्षमता के आधार पर बिहार में एनडीए के घटक दलों में बढ़ेगी सीटें। बिहार में आज कोरोना वायरस के 1820 नए मामले सामने आए, बिहार में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 33,511 है। भागलपुर में लगातार हो रही बारिश से और बाढ़ से नवगछिया में एक हाई स्कूल की बिल्डिंग ढह गई। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी, 19 गांव में भरा पानी, पलायन के लिए मजबूर हैं लोग। बिहार में बाढ़ का असर, समस्तीपुर दरभंगा रोड पर ट्रेनें चलना बंद, रेलवे 3 गाड़ियों को किया डायवर्ट। बिहार के सुपौल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र चौधरी की कोरोना से मौत, पटना एम्स में चल रहा था इलाज। बिहार में 50 साल की उम्र पार के सरकारी कर्मचारी उपयोगी नहीं तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सभी विभागों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश। बिहार में स्कूली कक्षा के सिलेबस 35% तक घटाए जाएंगे, SCERT को मिलेगा जिम्मा। 12 साल पुराने मामले में बेटे के साथ मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुए सपा सांसद आजम खान, अभी 24 अगस्त तक जेल में रहना होगा। कानपुर में किडनैपिंग और मर्डर केस में आईपीएस समेत 11 पुलिस वाले सस्पेंड, परिवार का आरोप 30 लाख रुपए की फिरौती पुलिस के सामने दी, फिर भी बेटा नहीं बचा। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह कोरोना संक्रमित, घर पर ही होगा इलाज, स्टाफ के 20 लोगों का लिया जाएगा सैंपल। बाबरी केस के विशेष अदालत में सुनवाई, लाल कृष्ण आडवाणी ने CBI कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दिया। सोनू सूद ने विमान बुक कराकर किर्गिस्तान से 135 छात्रों को वाराणसी पहुंचाया, अभिनेता की तस्वीरें लहराकर दिया धन्यवाद। झांसी के बाद अब बलिया जिला जेल में 150 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 594 कैदियों की जांच की गई थी। बाराबंकी जिला चिकित्सालय के CMO सहित 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। यूपी में पिछले 24 घंटों में 2,712 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, प्रदेश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 21,711 है, पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज लोगों की संख्या 37,712 हो गई है, अब तक 1,348 संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।